हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसका यूज करके आप अपने जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें आसानी से प्लेस हो सकते हैं। देखिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है, जब कभी भी आप कैरियर के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कमियां वो आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। अगर आप किसी को सामने वाले को झूठ बोलना चाहते होंगे अपने स्ट्रेंथ के बारे में या छिपाना चाहेंगे अपने वीकनेस के बारे में, तो आज नहीं कल वो सामने पता चल जाएगा और इससे जो आपकी जो जॉब की स्टेबिलिटी है वो छिप जाएगी। कल कई तरीके के अलग अलग लोग होते हैं, कुछ अपने टैलेंट्स को दिखाना चाहते हैं, कुछ अपने टैलेंट्स को इसलिए छिपाते हैं क्योंकि अगर वो टैलेंट दिख गया तो शायद उनको बाद में बहुत ज्यादा काम मिलने लगेगा। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी कैपेबिलिटी को दिखाना या छिपाना चाहते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको ये जो हमारी वीडियो सीरीज है वो काफी ज्यादा यूजफुल होगी। जो भी कोर्स आपने किया होगा, चाहे आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं, चाहे डिप्लोमा के हों, चाहे मास्टर के हों या फार्म डी के हों, या फिर आपने रिसर्च के लिए पीएचडी भी कर ली होगी, पोस्ट डॉक भी कर लिया होगा, तो फिर आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होगा मुझसे। तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉर्म डी तक के लेवल के लिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उन चीजों की कि कैसे आप किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें और कौन कौन सी चीजों को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। अगर आप रिज्यूम देने वाले हैं, रिज्यूम दे चुके हैं, या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं जब कुछ दिनों बाद आपका इंटरव्यू हो सके, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। और इस वीडियो के लिए जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हुए हैं वहां पर आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा कि किस बुक में आपको ये सब चीजें एक साथ मिल जाएंगी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद स्पेशल रेफरेंस टू फार्मेसी फील्ड। सबसे पहला जो हमारा वह है बी स्पेसिफिक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जॉब है वो इस पर्टिकुलर जगह में हो तो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ भी लग जाऊँ, वहाँ दे देता हूँ, वहाँ लग जाऊँ, यहाँ नहीं तो चलिए वहाँ सही, कहीं भी मिल जाए, प्रोडक्शन में मिल जाए, प्रोडक्शन में कौन सा डिपार्टमेंट फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी कंट्रोल मिल जाए, क्यूसी मिल जाए या कुछ भी मिल जाए तो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आप स्पेसिफिक नहीं है। सबसे पहले तो हमको किसी भी जॉब के लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मैं अगर प्रोडक्शन में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ तो प्रोडक्शन के अंदर कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्पेसिफिक सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है जहां पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं वो होता है आपका नो योर स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है। सो आपका स्ट्रेंथ किस में है, आप किस फील्ड में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसी फील्ड के हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मैं बी फॉर्म जस्ट अभी भी पास आउट हुआ हूं और मेरा जो इंटरेस्ट है वो आपके एकेडमिक के फील्ड में है, लेकिन मैं किसी कारण से या फिर चलो जॉब कर लेते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मार्केटिंग में घुस जाता हूं या किसी और फील्ड में घुस जाता हूं जहां पर मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जहां पे मेरी कोई भी कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा मैच नहीं करती उस फील्ड से जितना कि मैं अगर एकेडमिक में जाता तो शायद मैच करता। सो आपको अपनी एकेडमिक की जो इंटरेस्ट है इसी को अपनी स्ट्रेंथ मानते हुए आगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर रिक्वायर्ड है कि आप आगे जाकर के बी फॉर्म करें, एम फॉर्म करें, पीएचडी करें, तो यू कैन गो फॉर दैट। आपको वेट करना पड़ सकता है तो आप वेट करिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आपका जब जॉब सिलेक्शन होता है तो वो काफी ज्यादा यूजफुल और फ्रूटफुल दोनों होता है। चलिए मैं अपना ही एग्जांपल आपको ले लेता हूं दोनों पॉइंट के हिसाब से, स्पेसिफिक और आपकी स्ट्रेंथ को जानना। स्पेसिफिक मतलब मेरा स्पेसिफिकेशन क्लियर था कि मैं अगर आपके आगे आने वाले फ्यूचर में अपना करियर बनाना चाहता हूं तो मेरा जो करियर होगा वो एकेडमिक में होगा। ये मेरी स्ट्रेंथ भी कह लीजिए, ये मेरा स्पेसिफिकेशन भी कह लीजिए। इस स्ट्रेंथ में मुझे पकड़ में आ चुका था कि क्या शायद मैं बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्या चीजों को मैं और अच्छे से डिलीवर कर सकता हूं, ये मेरा स्ट्रेंथ था। स्ट्रेंथ के अंदर कई सारे बायफर्केशन हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब का अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने जो स्पेसिफिसिटी है इसको अलग नहीं करी, यानी कि जो मुझे स्पेसिफिक था कि मैं फार्माकोलॉजी ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, सेमेस्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा, जब तक एक सेमेस्टर के एक टॉपिक खत्म नहीं हो जाते मैं दूसरे सब्जेक्ट को टच बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और यही मेरी स्पेसिफिसिटी थी। इसलिए मैंने बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी वन अपलोड किया, उसके बाद फार्माकोलॉजी टू, उसके बाद फार्माकोलॉजी थ्री स्टार्ट किया, फिर अब माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब तक एक सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता दूसरा आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक सिटी होती है कि आपको ये चीज करना है। स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर मैं चाहता कि यूट्यूब वीडियो बनाना तो मैं हर एक सब्जेक्ट को टच कर सकता था, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन केमिस्ट्री, एनालिसिस, ज्यूरिसप्रूडेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, बट उसमें मेरी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी कि फार्माकोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी में है या एचएपी में है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एक अलग मैटर होता है, बेसिक नॉलेज होना अलग बात होता है, और आपको जो पढ़ाना होता है तो बेसिक नॉलेज से ज्यादा जरूरी होता है कि ऐसा नॉलेज जो आप सामने वाले को डिलीवर कर सकें। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी होगी तभी आप अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है रिसर्च करना। किस पॉइंट पर रिसर्च करना, रिसर्च योर ओन टारगेट कंपनीज। जैसे कि आपने सोचा है कि मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूं तो उस कंपनी के बैकग्राउंड और उस कंपनी की हिस्ट्री, उस कंपनी की जो स्पेसिफिकेशन है,
उस कंपनी के जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं या उस कंपनी के जो स्पेसिफिक और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वह आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वहां पे तो पक्का आपसे उस कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कितना जानते हैं। अगर आप उसी कंपनी को नहीं जानते हैं जहां पे आप काम करना चाहते हैं, काम करना चाहने वाले हैं, तो वहां पे आपकी दाल अच्छे से गलने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उस कंपनी में अच्छे से प्लेस हो सकें तो आपको वहां से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कब उन्होंने स्टार्ट किया था, कब उनके प्रोडक्ट किस किस तरीके से लॉन्च हुए, उनकी कंपनी का सबसे अच्छा हाईलाइटेड प्रोडक्ट कौन सा है, या अगर कोई ऐसी केस स्टडी हुई होगी जहां पे उस कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा हुआ होगा, तो उसके पीछे का जो कारण का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस बोलिए, वो अगर आपने किया हुआ है तो आपके काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं कि जहां कहीं भी आप जाने वाले हैं, डजंट मैटर ये इंडस्ट्री हो, जहां कहीं भी जाने वाले हो तो आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप किसी फार्मेसी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वहां पे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, क्या वहां पे केवल डिग्री रन होती है, या वहां पे मास्टर है, या फार्मडी है, या पीएचडी भी गाइडलाइन की जाती है, या यहां पे कुछ स्पेसिफिक सेमिनार होते हैं, आईसीटी का क्यूआईपी होता है, या फिर कुछ और रिफ्रेशर कोर्स होते हैं। तो ये हर एक जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता करनी होगी, और ये इंस्टेंट मैगी नूडल नहीं है कि आज आपने इंटरव्यू देने का सोचा और आप जाके इसके बारे में नेट में सुपरफिशियली पढ़ लिया और आप वहां पे डिलीवर करना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। रिसर्च टेक्स टाइम। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, सही जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं अपने बारे में बात करूं, अगर इस यूट्यूब का जो लाइव डेमो मैं आपको कर रहा हूं उसको कोलाइड करके, तो कोई भी चीज को पढ़ने से पहले ऐसे उठ करके आ करके रेडी हो गया और सामने बोलना शुरू कर दिए, ये किसी किसी जगह किसी किसी टॉपिक में होता है, सेरेंडिपिटी के रूप में होता है, एक्सटेम्पोर के रूप में होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमको अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च करना होता है। देखिए यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाए हैं, ये पॉइंट्स इसलिए लाए हैं ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस को इस पॉइंट साथ टैली कर सकूं, कहीं इधर उधर ना चला जाए हमारा टॉपिक, इसलिए ये चीजें जरूरी है, और ये एक प्रकार से रिसर्च का छोटा सा टाइप भी है। इसके बाद देखिए, गेट अ इंटरव्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अकॉर्डिंगली रिज्यूम प्रिपेयर करना। जिस रिज्यूम के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली आपका रिफ्लेक्शन है, आप क्या हो, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या कर सकते थे, क्या कर चुके हो, क्या करोगे, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करता है। सो आप हर जगह तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन आपके भी हाथ में आपका रिज्यूम प्रेजेंट होता है, तो आपका रिज्यूम ऐसा होना चाहिए जो आपको सही तरीके से रिप्रेजेंट करे, ना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कॉट क्रिएट करे। आपका रिज्यूम इतना भी पैराग्राफ ना हो कि वो बुकिस जैसे पलटना शुरू हो जाए। सो हाईलाइट करिए केवल उन्हीं पॉइंट्स को जो कि जस्टिफाई करते हैं। तो रिज्यूम के देखिए, गेट अ रिज्यूम अकॉर्डिंगली, इसका क्या मतलब होता है, अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो आपने एक ही रिज्यूम प्रोड्यूस कर दिया, और आप अगर एकेडमिक में जा रहे हैं तो भी एक रिज्यूम सेंड कर दिया, ये कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ समय तक मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। हम कभी भी रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम का पैटर्न कुछ ऐसा रखते हैं कि वो यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक सही भी है पर पूरी तरह से सही नहीं है। तो हम उसी रिज्यूम को हर जगह डिपेंडिंग अपॉन द नीड हम उसको चेंज करते रहते हैं, केवल एड्रेस फील्ड को चेंज करते रहते हैं, लेकिन हर जगह एक जैसा पैरामीटर तो यूजफुल होगा नहीं। अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो आपको उन स्ट्रेंथ को हाईलाइट करनी पड़ेगी जो एकेडमिक हिसाब से सुटेबल हो, ताकि जो इंटरव्यूअर हैं जो आपको इवेलुएट कर रहे हैं वो जान सके कि हाँ इसके अंदर वो पॉइंट्स हैं जो इस फील्ड के लिए, इस जॉब के लिए अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल सूट हो सकता है। लेकिन अगर आप एकेडमिक की जगह इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि आपने अच्छा अच्छा पढ़ाया है, डिलीवर किया है, सेमिनार दिया है, वर्कशॉप किया है, कॉन्फ्रेंस दिया है। आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हाईलाइट करना पड़ेगा जिनका आप हैंडलिंग अच्छे से कर सकते हैं, या ड्यूरिंग योर एकेडमिक करियर आपने इसको किया हुआ है। एचपीएलसी, यूवी, टीएलसी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप फार्माकोलॉजी में रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको एक्टोफोटोमीटर, हिस्टामिन चैम्बर, स्टूडेंट ऑर्गन बार, इन सबको असेंबल करना, इन सबको अच्छे से यूज करना आता है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और ये इंडस्ट्री के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। सो अपना रिज्यूम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली, अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, एकेडमिक के अकॉर्डिंगली अगर एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हैं, रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो रिसर्च के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस की कहानी आपने सुनी हुई है। अगर आप किसी ऐसे जगह में जा रहे हैं जहां का ट्रेडिशन कुछ और है तो वो आपको उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम यहां भी आपको अपना रिज्यूम उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करने पड़ेंगे। अगला जो पॉइंट है वह है आपकी मार्केटिंग मटेरियल्स को आपको रेडी करना पड़ेगा। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आपको इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐड वगैरह भी आता है। आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होने की जरूरत है। ये जो विजिटिंग कार्ड है ये पूरी तरह से सही तो नहीं बैठता एग्जांपल के रूप में, लेकिन ये काफी यूजफुल हो सकता है। विजिटिंग कार्ड का केवल मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर हाई फाई प्रोफाइल जॉब में हो और आप अपना विजिटिंग कार्ड सामने वाले को हैंड ओवर कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगर आप अभी से एम्बिशियस हैं, अगर आपको अभी से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको आप डेवलप कर सकते हैं क्रिएटिविटी का यूज करके, ऐसे ट्रिक्स
ट्रिक्स एंड टिप्स बना सकते हैं जिनका यूज आपको आगे जाकर के काम आएगा। मार्केटिंग मटेरियल का सीधा सा मतलब तो यही है कि आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, ना कि किसी प्रोडक्ट की। सो अपने को मार्केटिंग करना है, आपको समझना है कि आप एक प्रोडक्ट हो और जो पूरा मार्केट है जहां पे एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय देने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, वो आपको खरीदना है, उनको वो आपको खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको कैसे अपने आपको प्रेजेंट करना है, कैसे मार्केटिंग मटेरियल्स को यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कई जगह न्यूज़पेपर में देखते भी होंगे तो आपको कई सारे मार्केटिंग ऐसा मिलते हैं जो अपने आपको लॉन्च तो करना चाहते हैं बट अभी तक स्टेबलाइज नहीं है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐड देते हैं कि आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इससे स्टार्ट होने वाला है, उन्होंने स्टार्ट नहीं करा लेकिन स्टार्ट करने के पहले ही अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फिक्स करके रखा हुआ है। सो कई तरीके हो सकते हैं, जो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी और आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से वो आपको प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डोंट डिपेंड ऑन जॉब साइट। देखिए क्या होता है, हमने जब स्टार्ट किया था अपना बी फार्मेसी के लास्ट ईयर में, तब से हमने रिज्यूम बना करके सेंड करना स्टार्ट कर दिया था। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो उस समय कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं था कि मुझे कहाँ कैसे किस तरीके से भेजना है। सो हमने जॉब प्रोफाइल पे, जॉब पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल बना ली, चाहे naukri.com हो या आपका monster.com हो या ऐसे किसी भी तरीके के लोकल और रीजनल साइट पे हमने डाल दिया अपना रिज्यूम को और डिपेंड रहेगा कि वहाँ से कॉल आएगा। यकीन मानिए आज तक काफ़ी साल हो गए हैं उस चीज़ को, लेकिन आज तक एक कॉल जॉब के लिए नहीं आया है। तो ये चीज़ें सही नहीं है और किसी किसी को आ भी जाता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल। तो आपको वो चीज़ करना है, ऐसा नहीं कह रहा कि उस चीज़ नहीं करनी है, बट वो चीज़ करते हुए आपको केवल उसी पर डिपेंड नहीं होने हैं, आपको अपने तरफ से भी कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना है। रिज्यूम सेंड करने के कई अलग अलग मेथड हो सकते हैं, बाय पोस्ट आप भेज सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस होकर उसको दे सकते हैं, या किसी जॉब पोर्टल पे डाल सकते हैं, कंसल्टेंसी में डाल सकते हैं, उसके थ्रू रिक्वायर्ड जगह पे वो अपने आप पहुंच जाएगा। बट क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में आपको आने वाले पार्ट्स में दिखाऊंगा भी कि फिजिकल अपीयरेंस का कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस का भी कितना इंपॉर्टेंस होता है वो आप समझ सकते हैं। जब आप सामने रिज्यूम लेकर के जाते हैं तो सामने वाले को तो रिज्यूम दिखता ही दिखता है, वो देखेगा भी आगे जाकर के, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो नीडीनेस है वो भी आपको सामने समझ में आता है कि क्या आप वाकई में उस जॉब के लिए नीडफुल हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए अपना रिज्यूम किसी भी जगह, जैसे मैंने कहा हर जगह रिज्यूम छोड़ते हैं, आगे जैसे न्यूज़पेपर मारते हैं हर घर में, वैसा करना स्टार्ट कर दिया है क्या, कि आप स्पेसिफिक है, कि आपका डेडिकेशन है, कि यहीं आप चाहते हैं किसी जगह पे काम करना, वो सब कुछ दिखता है आपकी आंखों से, आपके हाव भाव से, तो वो चीज़ें इंटरव्यूअर को या फिर उस संस्था के प्रमुख को दिखने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद है नेटवर्किंग। आज की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्किंग। इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं, नेटवर्किंग और सोशल मीडिया, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, हालांकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने जब अपने एम फॉर्म के टाइम में था तो एक ब्रिटिश लाइब्रेरी हुआ करती थी भोपाल में, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी के नाम से, तो उसमें एक बहुत अच्छी बुक थी रूल्स ऑफ नेटवर्किंग, वो उस समय मैंने पढ़ी और वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होकर के आई थी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग, अगर आप सिस्टम के लैंग्वेज में इसको समझना चाहते हैं तो देखिए, कहीं भी हम एक कनेक्शन फिट करते हैं, इसके बायफर्गेशन करके अलग अलग जगह पहुंचा देते हैं, तो एक जगह बैठ करके आदमी हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है या उनके ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में नेटवर्किंग कहलाता है। बट अगर हम अपनी बारे में बात करें, इस मार्केट के फील्ड में बात करें, तो नेटवर्किंग का मतलब सीधा सा है कि आपका कॉन्टैक्ट कितने जगह तक है, किन किन लोगों से है, किन लेवल के लोगों से है, तो ये काफी यूजफुल हो सकता है। और नेटवर्किंग का फायदा केवल तभी नहीं होता जब आपका कॉन्टैक्ट हायर लेवल पे हो, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जो मैक्सिमम बच्चे या मैक्सिमम स्टूडेंट्स या मैक्सिमम जो प्रोफाइल वर्कर हैं वो गलती करते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब केवल हाई प्रोफाइल लोगों से नेटवर्किंग करना आपके लिए सही होगा, वो पूरी तरह से सही नहीं है। वो तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि वो सही है, बट पूरी तरह से सही नहीं है, इस बात पे आप हाईलाइट करिए, एम्फेसाइज करिए। नेटवर्किंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से जो किसी भी संस्था में किसी भी पोजीशन पे काम कर रहा होगा, उसके साथ अपना टचअप बनाकर रखें, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाकर रखें। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, नेटवर्किंग डजंट मीन मक्खन पॉलिश बटरिंग, ये कभी मत करिएगा। आज तक कभी भी किसी को बटर पॉलिश से कुछ नहीं मिला और ना कभी मिलना है। सो नेटवर्किंग का मतलब होता है इन गुड फेथ आप उनसे कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, उनसे कुछ लर्निंग के एस्पेक्ट सीख सकते हैं। डजंट मैटर कि आपको जॉब लगे ना लगे, आप जाकर के अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं कुछ चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे, या कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी जहां पे वो पर्टिकुलर पर्सन या उस कंपनी की कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई आ रहे होंगे, तो आपको वहां पे जाकर के उस चीजों को अटेंड करनी होगी। तो कोई म्यूचुअल इवेंट होगा तो जहां पे आपस में आप दोनों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, टच होगा, और आजकल जमाना इतना इन्फ्लुएंसिंग है कि आप कांटेक्ट नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं, उनके साथ किसी भी ओकेजन पे जुड़ सकते हैं, विचारों का एक्सचेंज आराम से कर सकते हैं, और फिर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे वो काम आएगा। मैं एक बार फिर से कह दूं, नेटवर्किंग का मतलब बटरिंग नहीं है, इन दो चीजों को बिल्कुल अलग अलग रखिएगा। इसको कैसे समझा सकते हैं, भाई सिंपल सा लॉजिक है कि जब तक मेरे पॉकेट में कोई चीज मैंने रखी हुई है और आपको बोल रहा हूं कि मेरे पॉकेट में क्या रखा है वो देखिए बताइए, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी भी चीजें बाहर निकल करके नहीं आ जाती, बाहर निकल के डिस्प्ले नहीं हो जाती, तब तक लोग उनके बारे में नहीं जान सकते। सो नेटवर्किंग एक सिंपल सा माध्यम है कि जहां पे आपको बिल से बाहर निकाल करके लोगों के सामने लाते हैं।
कुएं का मेंढक होना अच्छी बात नहीं है, कुएं से बाहर निकलना इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो ये आप इसको समझिए और अंतर क्रिएट करिए बटरिंग और नेटवर्किंग में। दूसरा आ जाता है सोशल मीडिया। आज के डेट में अगर कोई बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर बम है आपके इन्फ्लुएंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वह यही है सोशल मीडिया। जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला इन्फ्लुएंसिंग साइट बनकर के आ चुका है। कुछ समय पहले गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था किसी भी चीज़ों को सर्च करने के लिए, लेकिन उसका जो यूटिलिटी थी आज भी है नो डाउट, और उसकी यूटिलिटी केवल रीडिंग के पर्पज से होती थी या कुछ इमेज दिख जाता तो वो उसके आप यूज़ कर सकते थे। बट आज उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है काफ़ी हद तक इस चीज़ ने, जिस चीज़ का यूज़ आप अभी वीडियो को देखने में कर रहे हैं, दैट मीन्स यूट्यूब ने। तो ऐसे कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं इंक्लूडिंग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, या पहले आपने इसको भी यूज़ किया होगा ऑर्कुट वगैरह, कूकू आता है, ऐसे कई लिंक्डइन, ऐसे कई चीज़ें आती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह आते हैं जिनका यूज़ हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, मैक्सिमम बच्चे अपना जो यूज़ करते हैं फेसबुक का वो केवल चैटिंग पर्पज से करते हैं, यूजलेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़ वो अपनी फोटो शेयर करने में करते हैं, दैट्स इट, नथिंग रॉन्ग विद दैट, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द नीड। अगर आप अभी से अपने कैरियर को बिल्डअप करना चाहते हैं तो इन पावरफुल टूल्स का यूज़ कीजिए। ये दो तलवार की तरह होते हैं, दो धारी तलवार मतलब सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, सो रिस्क हमेशा रहता है। तो कैसे यूज करना है, सोशल मीडिया का यूज आपको इस तरीके से करना चाहिए जहां पे आप अपने जॉब्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, आपके हाईलाइट वहां पे डाल सकें, आपकी स्ट्रेंथ को डाल सकें। अपनी ही बात अगर मैं कर लूं तो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आइए, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, आप मेरे लिंक्डइन पे आइए, तो आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। पर्सनल प्रोफाइल में पर्सनल चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पे ग्रुप या फेसबुक के पेज की बारी आती है या फिर अपने ही बारे में बात करें तो वहाँ पे मैं अपने से ज़्यादा अपने काम को एंडोर्स करता हूँ ताकि लोगों तक पहुँच सके। अब मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जस्ट फॉर एग्जांपल 4500 या अप्रॉक्सीमेटली 5000 फ्रेंड होंगे, 5000 फ्रेंड में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, जो इस फील्ड के किसी संस्था में टॉप पे हुआ होगा, और वो देखे तो कमेंट करे या देखे तो आपको रिप्लाई करे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपकी बात, आपकी सोच, आपकी एक्टिविटी, आपकी जो काम कर रहे हो वो उसकी नज़रों में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जानना अलग चीज़ है और उसको बताना अलग चीज़ है। तो इससे क्या होता है, उनके माइंड में एक इमेज तो है कि देयर इज सम सोशल फार्मेसी जो इस तरह के काम कर रहा है। काम पसंद आए ना आए ये उनकी अलग बात है, मेरा काम है काम करना, पसंद आना नहीं आना उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, उनके मन में एक आइडिया तो हो गया कि वो चीज़ें कर सकती हैं। जो आजकल यूट्यूब में आप शेयर करते हो, आप देख रहे हो वीडियोज़ को, आपको अच्छी लगी, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो जूनियर हैं, उनको नहीं पता। अगर वो ये खुद से नहीं आगे देखेंगे उनको पता कैसे चलेगा, लेकिन आपके पास एक बटन है शेयर करने का, इस पर क्लिक से शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो एक साथ ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं सब तक पहुंच जाएगा, फिर उनके थ्रू उनमें से कुछ लोगों के दोस्तों तक पहुंचेगा, उनमें से कुछ के दोस्तों तक पहुंचेगा, भले ही वो आपके पिरामिडल के उल्टे शेप में पहुंचे, ज्यादा से कम होते जाए, या उल्टा कह सकते हैं ज्यादा से कम के बजाय कम से ज्यादा भी होते जाए, तो ये दोनों डिपेंड करता है। और ये पूरा पूरा एक सिंगल टच से है जो कि आप अपने बटन में इस तरीके से टच करके पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आपने कई सिंगर को पॉपुलर होता हुआ देखा है, आपने कई आर्टिस्ट को एकदम एक ही झटके में पॉपुलर होता हुआ देखा है, इसके कई सारे एग्जांपल हैं, आप उन सब चीज़ों के बारे में मुझसे बेटर समझते हैं। सो इनका यूज़ कैसे करना है वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आप हंसी मजाक के लिए करें, टाइम पास के लिए करें, वो एक अलग बात है, या इसका यूज़ अपनी जॉब के प्रोफाइल के लिए करें, अपने आप को एंडोर्स करने के लिए करें, वो आपके ऊपर है। बट ये आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल के रूप में उभर करके आया हुआ है, तो ये आप जरूर यूज़ करिएगा। इसके बाद आता है आपका अपडेट योर रिज्यूम। मैंने 5 साल पहले रिज्यूम बनाया था, मैंने कुछ खास तो और किया नहीं है, तो मैं इसमें क्या अपडेट करूं? तो आप उसी रिज्यूम को ऐड पे मतलब सर्कुलेट करने चलते हैं, कहीं जगह अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 साल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ तो ऐसा इंप्रूवमेंट आपने अपने अंदर किया होगा जो कहीं ना कहीं किसी किसी जॉब प्रोफाइल के यूज़फुल हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपके एकेडमिक के लिए यूज़फुल ना हो, लेकिन वो आपके इंडस्ट्री के लिए तो यूज़फुल हो सकता है। ये इंडस्ट्री की अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग की बात करें तो वहाँ पर तो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। सो यू नेवर नो कि आपकी कौन सी एक्टिविटी जो आपने 5 साल में की है वो आपको लगता है कि यूज़लेस है, बट वो किसी न किसी एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो आप अपने रिज्यूम को अपडेट करें। अगर आप एकेडमिक में हैं तो हर साल आपका एक्सपीरियंस तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा, आपकी पब्लिकेशन तो इंक्रीज होते जाएंगे, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस तो इंक्रीज हो जाएगा, आपने कुछ मॉडल डेवलप किए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करी होगी, वो तो अपडेट होगा। तो उनको आप रखते जाइए, लिखते जाइए, कहाँ पर भेजना है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करिए। इसका तरीका क्या है, आपको एक मास्टर रिज्यूम बनाना पड़ेगा। मास्टर रिज्यूम क्या होता है, आपको शायद आज तक किसी ने पहले सुना नहीं होगा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मास्टर रिज्यूम मतलब होता है जो जो भी एक्टिविटी करी है आपने, चाहे वो आपके लिए काम की हो, काम की ना हो, इस प्रोफाइल के लिए सही हो कि ना हो, आपको सब कुछ उसमें अपडेट करते चलना चाहिए। ये आपका मास्टर होगा और इसको आप अपने पास हमेशा अटैच करके रखिए मेल आईडी में। इसके बाद होता है इसकी कॉपीज। मतलब क्या है, अगर आपको
एकेडमिक रिज्यूम भेजना है तो मास्टर कॉपी में इसको कॉपी करिए, देखिए कि कौन सी चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए एकेडमिक के रेस्पेक्ट से, उसको हटा दीजिए, कौन से रेस्पेक्ट में होनी चाहिए उसको आप रख लीजिए। तो आपका मेन एक पास रहेगा जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि मैं नया नया हर बार बनाते जाऊँगा तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, टाइम वेस्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वहाँ से स्किप हो जाएंगे। सो मास्टर रिज्यूम की कॉपी अपने पास रखिए, उसमें से एडिशन या सब्सट्रैक्शन या कुछ और अगर आप चाहते हैं मॉडिफिकेशन तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वह आपका फॉलोअप। इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करूंगा इसको एक्सप्लेन करने के बाद। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? अगर मैंने ये रिज्यूम दी और किसी के जेब में ये पहुंच गई रिज्यूम, अभी उसकी जेब में ही पड़ी रही और उसकी जेब में पड़े 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 पता नहीं कितने दिन हो गया और आपके पास कॉल नहीं आया, और आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे कॉल आ जाएगा, एक हफ्ते बाद कॉल आ जाएगा, अगर उन्होंने कहा है कि आपको 10 दिन बाद कॉल आ जाएगा तो आप एक्सपेक्ट करने लगते हो कि आपको कॉल आएगा कि नहीं आएगा। यकीन मानिए ये हर उनके साथ हो चुका है जो कभी जॉब में पहली बार फेस कर रहे होंगे, कभी पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे। हम भी इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा, आज तक 10 दिन नहीं हुआ, 10 साल भले हो गए होंगे। तो ये क्या चीज़ होता है? वहाँ पे मैंने फॉलोअप भी नहीं लिया क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था नहीं, मैंने उस समय केवल सीखने के पर्पज से बी फॉर्म के बाद एम फॉर्म के बाद रिज्यूम डालना स्टार्ट कर दिया था, सो मैंने कभी उसके फॉलोअप नहीं लिया। लेकिन अगर आप जॉब के लिए सीरियस हैं या आपकी जो संस्था है वो आपको चाहती है कि आप इस जगह पर प्लेस हो के जाएँ ताकि इंप्रूवमेंट हो सके, तो आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा है कि आपको 7 दिन बाद कॉल करेंगे तो विद रिस्पेक्ट 7 दिन के बाद इंतजार करिए। 7 दिन के बाद जैसा होता है, 8 दिन 10 दिन होता है, तो आप एक बार उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करिए कि क्या अपडेट हुआ है। तो इससे क्या होगा, वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्शन का दोनों को कोई भी रीजन बता देंगे, बट इससे तो पता चलेगा काम सामने वाले को कि आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर आपने केवल छोड़ दिया, फॉर्मेलिटी कर दी, खाना पूरी इसमें कहा ना पेपर मार दिया, बस अपना काम खत्म कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपको फॉलोअप लेते रहना चाहिए। और अगर पॉसिबल है, ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता बट कुछ कुछ जगह पॉसिबल है, ये भी मैंने किया हुआ है कि अगर पॉसिबल है तो आप उनसे फीडबैक या फॉलोअप के रूप में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो मेरा प्रोफाइल आपके इस जॉब के प्रोफाइल से मैच नहीं करता, या मुझे कौन सी ऐसी अपडेट करनी चाहिए जो फ्यूचर में मैं आपकी जगह प्लेस हो सकता हूँ। ये अगर आप कहते हैं, ये अगर आप उनसे रखते हैं बात को, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो फ्यूचर में जरूर कभी ना कभी जरूरत पड़ने पर आपको पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो आपके अंदर इंटरेस्ट देख रहे हैं कि आप उस जगह प्लेस होना चाहते हो। यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड एंड वेरी मच एक्साइटेड विद द जॉब पोस्ट उस जगह पे जहां पे आप उसको बात कर रहे हैं। अगर आप उनसे कहते हैं कि मेरे जॉब प्रोफाइल में ये कमियां हैं तो उसको मैं ठीक करूं तो क्या प्लेस हो सकता हूं, अगर उनको चाहिए कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो आप उनसे बोल सकते हो कि मैं कुछ समय बाद अपनी इन कमियों को या इन स्किल्स को डेवलप करके आऊँगा और फिर अपने आप को आपके सामने रखूंगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट में इस बात से मैं कंक्लूड करूंगा आज का पार्ट कि कभी भी जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस और आपकी पसंद नापसंद आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। जहां पे आपको लगता है कि इस जगह पे मुझे अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा तो वहां पे टिक करके काम करिए, लेकिन जहां पे लगता है कि इस जगह पे घुटन महसूस हो रही है, मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूं, तो केवल इसके लिए काम मत करिए। जॉब का जब सिलेक्शन और क्राइटेरिया यहाँ से होता है ना तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री देता है। मुझे अपने जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने आज तक जिस जगह पे जॉब किया, फर्स्ट टाइम जॉब जिस जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ आज तक मैंने इस जॉब को स्विच नहीं किया है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट किसी दूसरे संस्था पर नहीं गया। लगभग आज 8 से 9 साल हो चुके हैं उस जगह पर काम करते हुए, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन है कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। डजंट मैटर सामने वाला क्या सोचता है कि नहीं सोचता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने टैलेंट्स को शो करना है, भले इस टैलेंट का यूज करें, मिसयूज करें या फिर वर्डन पड़े, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि मुझे सामने वाले के ऊपर क्या इंपैक्ट डालना है, ये आपका काम है। सो आप अपना काम करिए, सामने वाले का काम सामने वाले पे छोड़ दीजिए और आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ किसी भी जॉब की तैयारी स्टार्ट करिए, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो, अगले पार्ट में मिलेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, तो इसी चैनल पर रहिएगा। और जैसा मैंने कहा, सोशल नेटवर्किंग पावर आपकी उंगली में बहुत ताकत है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपके नियर एंड डियर भी इन चीजों के बारे में जाने, कि 1001 वीडियोस आपको इस तरह की मिलेगी, पर जो मैं बातें मैं कह रहा हूं वो कोई टेक्निकली कोई प्रोफेशनली नहीं कह रहा, मैं एक्सपीरियंस बेस्ड में पर्सनली कह रहा हूं ताकि आपको कुछ तो बेनिफिट हो सके, तो आप इसे बाकी लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी पॉजिटिव और जॉब की तैयारी करिए, लेकिन जॉब के पीछे इस कदर मत भागिए कि आप अपने आप को भी उसके सामने बेच दें। आपकी क्वालिटीज आपके लिए जॉब अट्रैक्ट करके लेके आएगी, बस पेशेंस रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा और टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं आप अपने आप को मार्केट में कैसे बेच दें, कैसे सेल आउट कर दें, हाउ टू सेल योरसेल्फ इन द मार्केट। इसका क्या मतलब है,
ये सिंपल सा फंडा है मार्केट का और सिंपल सा फंडा है इसके प्रिंसिपल का। जब कभी भी हम अपनी बात करते हैं, यानी कि अगर आपने चाहे कोई भी कोर्स किया हुआ है, चाहे डिप्लोमा, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, वट एवर कोर्स यू हैव डन, अल्टीमेटली जब कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, तो आप अपने आप को मार्केट में बेचना तो चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को, अपने टैलेंट्स को मार्केट में शो करना चाहेंगे ताकि आपको कोई एम्प्लॉयर रख सके और आप एम्प्लॉयड हो सके। ये सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कोर्स जब आप करते हैं, ये बहुत सच बात है, बहुत फैक्ट बात है, जब कभी भी कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं, चाहे आप बीएससी कर लीजिए, बी फॉर्म कर लीजिए, या फिर बी कर लीजिए, या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं कर लीजिए, आपका जो मेन पर्पस है शुरू दिन से जहां से आपने एडमिशन लेना है क्या है कि आप अच्छी जगह प्लेस हो सकें। ये कटु सत्य है कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो जॉब ओरिएंटेड ही है और इसी को देख करके बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स आज के डेट में लॉन्च किए गए हैं। सो अगर आप अपने आप को मार्केट में बेचना चाहते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या दूसरा पहलू आपने कभी सोचा है? बहुत कम लोग सोचते हैं कि क्या मार्केट आपको खरीदना चाहता है या मार्केट किन को खरीदना चाहता है अगर आपको नहीं खरीदना चाहता है। तो इस फंडे का सिंपल सा एक्सप्रेशन है दो बेसिक एग्जांपल। चलिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट आपके मन में समझ में आ जाएगा। अगर आप अपनी बात कर ले, आप अपने घर में कोई इलेक्ट्रिक का काम करवाना चाहते हैं, वायर चेंज करवाना चाहते हैं, स्विचेस लगवाना चाहते हैं, तो आप नए जगह किसी जगह पे शिफ्ट हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आसपास के लोगों में कहाँ पे इलेक्ट्रिक की शॉप है, कहाँ पे इलेक्ट्रिशियन काफ़ी अच्छा मिल सकता है आपको। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आसपास में रहने वाले लोगों से पूछेंगे कि आपने जो इलेक्ट्रिक का काम करवाया है वो किससे करवाया है, काम कैसा करता है, उससे फीडबैक लेकर के उसका नंबर लेंगे, उसको बुलाएंगे और अपना काम करा लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद ही मार्केट में जाएंगे, आसपास खोजेंगे, देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इलेक्ट्रिकल की दुकान है, वहां पे जाके पूछेंगे कि क्या कोई है ऐसा बंदा जो इस तरह के काम को कर सकता है, तो वो आपको सजेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा कि इसको ले लीजिए। तो आप दोनों में से कोई भी सिचुएशन पे लेकर के आते हैं तो आपने अच्छा खासा पैसा दिया हुआ है उसको कि आपका वो काम कर दे। जब वो व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो कैसा काम करता है। अगर आपने फीडबैक लिया हुआ पुराने तब की बात अलग है, बट इन जनरल अगर वो नया है तो आपको नहीं मालूम कि वो कैसा काम करता है। सो आपने उसको 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अगर पेमेंट करने की बात करी है और वो आपका काम कर रहा है, अगर वो काम बहुत ही अच्छा करता है, काफ़ी अच्छा, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे उतना या उससे काफ़ी अच्छा करता है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उसको रिफ़र करेंगे दूसरों को, खुद भी कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो आप उसको वापस से बुलाएंगे, उसका नंबर, उसका डिटेल कॉन्टैक्ट करके सेव कर लेंगे। हो सकता है कि आप उसको 1000 रुपए से कुछ 50-50 रुपया और एक्स्ट्रा दे दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने उसको 1000 रुपए देके बुलाया है और आपका काम इतना गंदा कर रहा है कि आपको कोई भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप जिस काम को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-3 घंटे में वो खत्म कर देगा, वो पूरा दिन लगा दिया उसको, और जो काम हुआ वो भी बहुत अच्छे से नहीं हुआ, एकदम सो टाइप का हो गया, फॉर्मेलिटी टाइप का निपटा देने काम किया, तो आप वहाँ पे अब एम्प्लॉयर हैं, आप उसको पैसे देने वाले हैं उसके जॉब के बदले में। तो एक बार सोचिए कि क्या आप उसको पैसे देने में खुशी महसूस होगी सेकेंड वाले एग्जाम्पल में? शायद नहीं। क्या आप दोबारा उसे बुलाएंगे? शायद नहीं। क्या आप किसी और को रिकमेंड करेंगे जो आपके नियर एंड डियर हैं? मुझे लगता नहीं है कि कोई इसको रिफर करने के लिए किसी को बोलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का एग्जांपल समझिएगा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, आप मार्केट में जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी सब्जी मंडी है जहाँ पे आपको सब्जी खरीदनी है, तो आप सब्जी खरीदने के कौन से तरीके को फॉलो करते हैं? जनरली दो तरह के लोग होते हैं सब्जी खरीदने के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, उनमें से एक मैं हूँ, आपको बताता हूँ कि मैं कौन से टाइप का हूँ। एक घुसते हैं सब्जी मार्केट में, टमाटर दिखा, टमाटर लेना था टमाटर ले लिया, करेला लेना था करेला ले लिया, भिंडी, गाजर, मूली, जो भी लेना था उनको वो लेके चिरन चिरन चले गए, आगे पूरे मार्केट में राउंड नहीं लगाया, जो शुरू में दिखते गया, पहला दिखता गया उसको ले लिया और आगे अपना काम निपट गए। ये एक तरह के लोग होते हैं, कुछ कुछ केस में ये करना पड़ता है, बट जब आपके पास समय है तो ये चीज़ें सही नहीं होती मेरे ख्याल से। हम क्या करते हैं, मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जो भी चीज़ लेनी है उसकी मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, मार्केट में एंटर करते हैं, हर एक जगह मार्केट में एक राउंड लगाते हैं। अब इतना बड़ा तो नहीं होता ना कि आप घूम ना सकें, थोड़ा सा जगह होता है, आप आराम से एक राउंड तो लगा ही सकते हैं। हर जगह वो जहाँ पर जाइए जहाँ पर आपको वो चीज़ सामान चाहिए, तो आप वहाँ पर देखिए सामान की क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसे है। टमाटर तो एक जगह नहीं होगा, कई जगह होंगे, सब जगह टमाटर में ऑब्जर्व करिए, किसका टमाटर अच्छा सॉलिड है और फ्रेश नज़र आ रहा है और किसका प्राइस अच्छा है, तो आप यही करेंगे। अगर आप सब जगह ये पता करते हैं तो आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा एटलीस्ट कि उस जगह के टमाटर की क्वालिटी अच्छी थी, रेट भी सही था, भले ही बराबर रहा हो बाकी जगह के, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी, या वहाँ पे टमाटर का रेट बहुत ही अच्छा सस्ता है, क्वालिटी भी अच्छी है, डिपेंड करता है कि वो गाँव वाले की कैसे। सो आपने एक मार्केट का ऑब्जर्वेशन कर लिया,
आपको पूरा पता चलेगा कि कहां पे किस चीज का है। अब आप जो जो चाहिए वहां वहां से आपको पता है कि यहां से अच्छा मिलेगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों एग्जांपल में एक चीज बहुत कॉमन है, अगर आप खुद खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मतलब आप किसी को पैसे दे करके काम या सामान ले रहे हैं उसके रेट पैक में सोचे, तो आप उसी को पैसे देंगे अच्छा जो काम अच्छा करता है, उसी से सामान खरीदेंगे जो सामान अच्छा देता है, चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी हो चाहे उसके जो रेट हैं वो अच्छे होते हैं। अब अगर आप खुद को अब दूसरी जगह रखिए कि आप अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं, आप खुद जॉब लेना चाहते हैं और सामने वाला तो देना चाहेगा, तब तो आपको देख रहा है, तो देने वाला भी तो यही सोचेगा कि मैं जिसको लूँ वो अच्छा लूँ, कम पैसे में अच्छा काम मिल जाए, या अगर अच्छा काम करता है तो ज़्यादा पैसा देना पड़े तो भी मैं रेडी हूँ। दोनों केसेस होते हैं, हमेशा जॉब देने वाला ये सोचता है कि कम पैसे में अच्छा काम करने वाला मिल जाए, और अगर जो जॉब करने की इच्छा रखने वाला है उसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ तो वह अपने टर्म्स एंड कंडीशन में पेमेंट ले सकता है। दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं अगर आपके अंदर वो सब क्वालिटीज़ है तो। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जिसके पीछे ये एग्जांपल मैंने दिया कि अपने आप को मार्केट में कैसे बेचें। मार्केट में बेचने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप कोई भी सब्जी लेना चाहते हैं या बहुत सारे लोग एक ही तरह की सब्जी लेना चाहते हैं बट मार्केट में कहीं भी वो सब्जी अवेलेबल नहीं है, केवल एक जगह अवेलेबल है, तो सारे के सारे लोग उसी के पास जाएंगे और जितना प्राइस आप लेना चाहोगे उसका उतना ले सकते हो, क्योंकि आपके अलावा और कोई उस जगह पे है नहीं जो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता है जिसको आपको ज़रूरत है। सो उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो अकेला है। सो हमको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो शॉर्टलिस्ट करना चाहिए कि आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन कौन सा फील्ड आपके लिए सुटेबल है वो आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं एकेडमिक्स की, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी कॉलेज में जाकर के एज एकेडमिक में टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पढ़ाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, अंदर की टैलेंट है, सो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका मेन बेसिक स्किल क्या है, एक्सप्लेनेशन, कैसे उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। केवल लिखा के पढ़ा के ऐसे कर देने से वो क्वालिफिकेशन नहीं पूरी हो जाती, तो आपको कैसे चीज़ों को डिलीवर करना है इसके बारे में सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको जो भी मीडियम मिलते हैं, ऑफलाइन मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, उनको ले लीजिए। दूसरा, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आप टीचर बाद में बनिएगा, स्टूडेंट पहले बनिए, और स्टूडेंट बन करके, बनने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी अब इस केस में आप अपने आप को टीचर मत समझिए, आप ये समझिए कि आप स्टूडेंट हैं और एज ए स्टूडेंट आप टीचर से क्या चाहते हो। जब मैं फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट था बी फार्मेसी में, तो वाकई में आपको शायद यकीन हो ना हो, आप सॉल्यूशन फार्मेसी को देखेंगे तो शायद यकीन ना करें आप, लेकिन मुझे फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा बेकार सब्जेक्ट लगा करता था, मैं बहुत ज़्यादा उससे डरता था और बस भगवान से ही प्रार्थना करता था कि कैसे भी करके एग्जाम में फार्माकोलॉजी को निकाल दीजिए, क्योंकि अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा कि बैकग्राउंड क्या था क्यों था, लेकिन इतना था कि उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया टिल बी फार्मा। एम फार्मा में भी सडनली ड्रेस्टिक चेंज हो गया, और मैं जब बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा के लिए जा रहा था तो मेरे मन में डाउट था कि मैं कोलोजी लूँ कि सूटिक्स लूँ। फाइनली कई सर्कमस्टेंसेस के ध्यान में रखते हुए मैंने फार्माकोलॉजी लिया और पूरे लेक्चर आज मैंने अपलोड कर दिए हैं। सो क्या है, एक स्टूडेंट को पता है कि उसको किस तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई टीचर मुझे ऐसे समझा दे तो मैं बहुत अच्छे समझ जाऊंगा, ये स्टूडेंट जानता है। अगर कोई टीचर मुझे डेमो करके दिखा दे इस चीज़ों को, हाँ ये भाई ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैं शायद समझ जाऊँ। कोई टीचर मुझे अगर डेली लाइफ एग्जांपल से बता देता है कि ये चीज़ ऐसी होती है ऐसे काम करते हैं, तो शायद मैं समझ जाऊं और फिर कभी ज़िंदगी में ना भूलूं। लेकिन अगर कोई टीचर आकर के केवल एक्सप्लेन करता है, सुपरफिशियली एक्सप्लेन करता है, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैं किसी की बुराई है किसी की भलाई है किसी की अच्छाई नहीं कह रहा, मैं जस्ट प्रैक्टिकल अपने साथ जो हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वहां पे टीचर को चाहिए कि अगर वो प्लेस होना चाहता है एज अ टीचर, तो उससे पहले उस स्किल को सीखे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है डिफरेंट वे में। 99% लोग अगर एक जैसा काम कर रहे हैं और आप भी उसी जैसा काम करें तो आप मिक्स हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अलग तरीके से पढ़ाते हो तो सबके बीच में से अकेले सिंगल नजर आओगे। सो कैसे बेचें, इस तरीके से बेचने का पहला पॉइंट यह है कि वो क्वालिटी बिल्टअप कीजिए जो मार्केट की डिमांड है। दूसरा क्या है, केवल पढ़ा देने से आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरा तो हो जाएगा, लेकिन क्या जो आपको नौकरी दे रहा है वो उसी से संतुष्ट हो जाएगा कि क्या आप अच्छा पढ़ाते हैं तो भाई हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ाता है मेरा काम हो गया। नहीं, ये आज के डेट में फिलहाल नहीं हो सकता। आज के डेट में कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या आपकी कंप्यूटर लिटरेसी काफ़ी अच्छी है? आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल 2 साल के बच्चे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं मोबाइल्स को, और कंप्यूटर को भी वो अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस है ये चीज़। तो वो 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे और 30 साल के एक यंग, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए भाई आज के डेट में। मैं मानता हूं कुछ टेक्नोलॉजी भी ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, बट आप तो अभी भी यंग है ना, आपके अंदर सीखने की कैपेसिटी खत्म तो नहीं हुई। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज ले लीजिए, सर्टिफिकेट मत लीजिए। मैं चीज को दोबारा क्लियर कर दूं, अगर आपने आप रिज्यूम में पूरा कंप्यूटर लिटरेसी का ये कोर्स वो कोर्स 50 कोर्स 10 कोर्स कर दिया आपने, लेकिन आपको वो आता नहीं है, तो
जैसा मैंने कहा ना कि कोई फायदा नहीं है, आपने 1000 रुपए तो इलेक्ट्रीशियन को दे दिया लेकिन काम कुछ नहीं करेगा, तो वो दोबारा आपको अभी बुलाएगा ही नहीं। सो ये आपके लिए बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास भले ही डिग्री हो ना हो वो एक अलग बात है, क्योंकि सामने वाला ये देख के आपको काम नहीं देता कि आपके पास डिग्री है, सामने वाला आपको आपका नॉलेज देख के काम करता है। अगर आप कंप्यूटर की हैंडलिंग अच्छे रखते हैं, भले ही आपके पास कोई डिग्री ना हो, तो भी आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा, आपको एम्प्लॉयर आपसे काफी सेटिस्फाइड होंगे। तो दूसरा क्या पॉइंट हो गया आपने आपको बेचने के लिए, उन एक्स्ट्रा स्किल्स को भी ऐड कर दीजिए जो कि मेन नहीं है बट सेकेंडरी है। मेन आपका पढ़ाने का स्किल होना चाहिए, टीचिंग स्किल होना चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया साथ साथ जो उसके सपोर्ट करते हैं, एड ऑन करते हैं, वो आपको होगी कंप्यूटर लिटरेसी या जो आज के डेट में ऐप वगैरह हैं उनकी लिटरेसी होनी चाहिए। तीसरा होता है एकेडमिक करिकुलम को और ज़्यादा अपडेट करके रखते रहना। आप टीचर हो गए हो, आपके पास कंप्यूटर है बट आप आइडल होकर बैठे हो, वो कोई सही चीज़ नहीं है। कुछ तो एक्स्ट्रा करिए, उसके अंदर आपके रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर भी आ सकते हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में अंदर क्या हो सकता है कि अगर आपके कॉलेज में कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं, कोई सेमिनार वगैरह होते हैं, कोई डिबेट, कोई एक्सटेम्पोर होता है, तो अपने टॉपिक से रिलेटेड की चीज़ों को होस्ट करके देखिए, उन चीज़ों को इवेंट को मैनेज करके देखिए, तो आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको अब परमानेंटली स्टैंप लगा देंगे कि जब तक आप नहीं जाना चाहते वो आपको वहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेंगे। और आपकी जो इमेज है, भले एक्सेप्ट करें ना करें वो अलग बात है। यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कभी भी मैक्सिमम, हर बार तो नहीं बट मैक्सिमम ये होता है कि जो आपको जॉब देता है वो आपका तारीफ तो शायद करना चाहते हुए भी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वो पता है कि उसको 10 एम्प्लॉय के बीच में किसकी इमेज कैसी है। सो वो हमारा टारगेट होना चाहिए कि उनको पता तो चले, वो जाने कि आप क्या हो, भले ही ना माने, वो एक अलग बात है। तो ये दूसरा स्किल हो गया, तीसरा स्किल भी साथ में मैंने ऐड कर दिया। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की, मार्केट क्या चाहता है। ये तो आपने एम्प्लॉयर के बारे में सोचा कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है, अब सोचिए कि मार्केट क्या चाहता है। मार्केट मीन्स केवल एक ही कॉलेज आपका बेचने का जगह नहीं हुआ। मैंने कहा ना आपको टाइटल में कि अपने आपको कैसे बेचें, तो आप जब कोई सब्जी बेचते हैं तो सब्जी वाला सोचता नहीं कि केवल एक ग्राहक आए लेके चले जाए, वो नहीं, वो चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्राहक आए, मेरी डिमांड बढ़े और एज सून एज पॉसिबल मैं चीज़ों को अच्छे दाम में बेच सकूँ। सो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप अपने आप के अंदर कौन सा टैलेंट रखें कि मार्केट आपके ऊपर ध्यान दे। सो आप अपना काम कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, वो चीज़ करते जाइए। अब एक एक्स्ट्रा काम करिए, वो है नेटवर्किंग। आप अपने नेटवर्किंग को बिल्डअप करिए, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपका पॉइंट यहाँ भी आ जाता है कि आप अपने नेटवर्किंग को बहुत बूस्ट करिए। एक कॉलेज में काम कर रहे हैं तो उस जगह पे या आसपास के जितने भी कॉलेज और हैं वहाँ के स्टाफ से कांटेक्ट में रहिए। अगर कोई कॉलेज दूसरा कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, या QIP होता है, रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, या फिर कोई और अदर तरह की एक्टिविटी होती है जो कि आपके फील्ड से बिलोंग करती है, रिसेंबल करती है, वहाँ पार्टिसिपेट करिए। वहाँ के जो टीचर हैं, जहाँ के जो हेड हैं, उनसे कांटेक्ट में रहिए ताकि एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो सके। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। ये जो सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, कहीं से कोई नोट्स नहीं लिखा, आज मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम अचानक से एक्सटेम्पोर के रूप में उभर आएगी, इसका सॉल्यूशन क्या करें क्या करें ये समझ में नहीं आता, तो मैनेजमेंट या जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तो सामने आ जो ये बोले कि हाँ आई कैन डू दैट, तो वहाँ पे आपको सामने आना पड़ेगा। अगर वो चीज़ आपके बस में है तो आपको सामने आके बोलना पड़ेगा, जिम्मेदारी होनी पड़ेगी सर कि आई कैन डू दिस, ये चीज़ मुझे दे दीजिए, मैं इस चीज़ को करने लगता हूँ। इसके दो एस्पेक्ट है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये भी बताना जरूरी है, दिस इज ऑल्सो पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप ऐसी क्वालिटी रखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सामने तो आना चाहिए, यह आपके बेनिफिट के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसका फायदा होगा कि आपके मैनेजमेंट या आपके एम्प्लॉयर आपको बहुत अच्छे समझ सकेंगे और आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये, ट्रस्ट गेन करना। लेकिन दूसरा है कि अगर आपने एक बार ट्रस्ट दिखा दिया कि आप उन बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो यकीन मानिए अब मैनेजमेंट को आंख ऐसा हो जाएगा जहां पे आपके अलावा कोई और नहीं दिखेगा, कोई भी काम आएगा तो वो आपको हैंडओवर कर देंगे। ये अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना दो तरीके के एस्पेक्ट हो सकते हैं। ये अच्छी बात उनके लिए है जो काम करना सीखना चाहते हैं, जो अपना बिल्डअप करना चाहते हैं, रेपो बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन जो काम से बचना चाहते हैं भैया उनको नमस्ते है, वो अपना टैलेंट छिपा के रखो, जेब में रखो, टैलेंट को बाहर मत निकालो, इट्स ऑन यू। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो है कम्युनिकेशन स्किल, जो आपको मार्केट में लॉन्च करने में मदद करेगा। ये सब चीज़ें हैं आपके पास, मैं बहुत अच्छा कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं अगर किसी से सामने आ गया, कोई पूछेगा बताओ इसको क्या होता है, तो मैं पसीने पसीने हो जाऊँगा, ऐसे ऐसे पसीना करने लगूंगा, मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो वो हर एक चीज़ जो आपके अंदर है आपके तक सीमित हो जाएगी। सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप अपनी बात को सामने वाले तक रख सकते हो।
कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है कि कब कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको चीजें रखनी पड़ती हैं, चाहे वो चीजें रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको अपनी चीजें रखनी चाहिए। इससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट, देखिए हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव इंपैक्ट, इससे क्या होता है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने अगर बोल दिया, बुराई कर दी, तो उनको मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा इमेज खराब हो जाएगा। लेकिन बुराई का मतलब बेवजह की बुराई नहीं होती दोस्तों, बुराई का मतलब होता है कमेंट, जैसा फीडबैक। एक्चुअली फीडबैक तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक। सो इफ यू आर गोइंग फीडबैक, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, बट नेगेटिव का मतलब यही होता है कि वो आगे आके पॉजिटिव हो सके। सो टू नेगेटिव कैन कंबाइन टू मेक अ पॉजिटिव। तो अगर आपको सामने वालों को बोलते हो कि सर दिस इज समथिंग रॉन्ग, मुझे लगता है कि अगर हम करेंगे तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसकी जगह अगर हम ऐसा करें, इस तरीके से करें, तो वो बेनिफिट हो सकता है, उसको भी बोलने का तरीका होता है। तो आप पोलाइट वे में बोल सकते हैं, सर ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बेकार है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ऐसा ऐसा बोलने का तरीका अलग होता है। उसको आप रेस्पेक्टिवली बोल सकते हो, सर मे आई एक्सक्यूज यू, तो आप इस चीज़ को अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो बेनिफिट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्च करने में मदद करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, अपने आसपास के सरकमस्टेंसेस से अवेयर रहिए, अपडेट रहिए। किस कॉलेज में क्या प्रॉब्लम, मैं क्योंकि पूरी जो कहानी है वो एकेडमिक के आसपास घूम रही है, किस कॉलेज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है आपके पास, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। उस कॉलेज में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है और उसको आप ही पूरा कर सकते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आने वाले पार्ट्स में धीरे धीरे बताएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो पूरे सीरीज चलेगा इसका, अल्टरनेट बेसिस पे चलेंगे, मंथ टू मंथ चलेंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और सब कुछ तो नहीं, बट मैक्सिमम 90-95% पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करूंगा, विद लाइव और डेमोस्ट्रेशन के साथ में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ ताकि आप इस तरह चीज़ों को सीख सकें। अटलीस्ट किसी भी बच्चे को एक फायदा होता है तो वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आपने आज के वीडियो का टाइटल तो बहुत साफ और सही तरीके से देखा हुआ है कि आग लगने के बाद कुआं खोदना सही होता है या पहले कुआं खोद लें ताकि अगर कभी फ्यूचर में आग लग सके तो उस कुएं का यूज़ आप बुझाने के लिए कर सकें, और अगर आग नहीं लगती भगवान की कृपा से तो आप उसका यूज़ पीने के लिए तो कर ही सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत मैं करता हूं एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन से। जब कभी भी हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ बात तो कह जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर छिपा हुआ होता है, और इसी लॉजिक को अगर हम समझें तो अपने स्टडी के साथ साथ अपने जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का ये जो टॉपिक है एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी किसी डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे वो एट सेमेस्टर के हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो एम फॉर्म में हो, चाहे वो बी फॉर्म में हो, चाहे वो डिप्लोमा में हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ये कि आपकी स्टडी चल रही हो, कंप्लीट ना हुई हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो उनके लिए तो ये वाइटल वीडियो हो सकता है। आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सारे पॉइंट्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, विद एग्जांपल आपको मैं डेमोंस्ट्रेट करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक है किसके बारे में। देखिए, जैसा मुहावरा है कि आग लगने के बाद कुआं खोदने का फायदा नहीं होता, मतलब जब समय बीत चुका होता है उसके बाद कुछ करने का कोई फायदा नहीं। चिड़िया चुग गई खेत वाली भी इसी से मैच करती है। हम में से अधिकतर लोग, 90% लोग, सबके सब तो नहीं बट मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि जब आपका जो कोर्स है, टेन्योर है, वो खत्म हो जाता है, चाहे अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर हो गया, आपका इंटर्नशिप सबमिट हो गया, अगर आप डिग्री के स्टूडेंट हैं तो एट सेमेस्टर के बाद, अगर आप एम फार्मा के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर के बाद आप अपना जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जॉब के लिए रिज्यूम भेजना स्टार्ट करते हैं, हाथ पैर मारना स्टार्ट करते हैं। यही बात हो गई ना कि आग लग गया फिर आपने कुआं खोदना स्टार्ट करा। तो सही तरीका क्या होता है कि जब आप कभी भी फ्यूचर में ये सोच के चलते हैं कि आपको जॉब करना है, और ये कटु सत्य नहीं, ये मधुर सत्य है कि जब कभी भी हम अपना कैरियर का डिसीजन लेते हैं कि मुझे 12वीं के बाद ये करना है, बी फॉर्म करना है, एम फॉर्म करना है, डिप्लोमा करना है, या फिर कुछ भी कैरियर एस्पेक्ट आप जो सोचते हैं, उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि कौन सा कैरियर आपको फ्यूचर में आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा दिला सकता है और अच्छा खासा जॉब दिला सकता है विद योर इंटरेस्ट। कुल मिलाकर के किसी न किसी तरीके से आपका इंटरेस्ट यही है कि अच्छी जगह नौकरी लगे, अच्छा सैलरी आए, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। सो क्यों ना हम उसकी तैयारी उस दिन से स्टार्ट कर दें जिस दिन से आपने उस कैरियर को अडॉप्ट किया है, जिसके बारे में आपने सोच करके एडमिशन लिया था, उसके पहले दिन, पहले सेमेस्टर, अगर ईयर वाइज है तो पहले ईयर से आप इस तैयारी कर दें। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है मैं आपको ये बताता हूँ। उससे पहले कि छोटा सा एग्जाम्पल, कम क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर कहीं कोई युद्ध होने वाला है तो क्या उसी दिन जिस दिन युद्ध कोई सामने वाला अटैक कर दिया हो उसी दिन आप सैनिकों की भर्ती करेंगे, उसी दिन आप उनको ट्रेनिंग देंगे और उसी दिन उनको भेजेंगे लड़ने के लिए? क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है, या कहीं ऐसा होता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। क्या करते हैं, आज से कई साल पहले से हमारे परंपरा चली आ रही है कि आप अपने देश, अपने प्रदेश, अपने राज्य, जो भी आपका है,
उसकी सुरक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती करते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, ताकि अभी फ्यूचर में अगर कैसा सिचुएशन आ जाए तो उनका यूज़ किया जा सके, और अगर नहीं आता तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। सेम यही चीज़ है, जब हम नौकरी की तलाश करते हैं तो हमको तैयारी स्टार्टिंग से करनी होगी। ये पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि आपको आपकी प्रिपरेशन फर्स्ट सेमेस्टर से कर देनी चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ऐसे आते आते आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, और लास्ट जब आपके हाथ मार्कशीट आएगी उसी दिन से आप ऑलरेडी या उससे पहले से भी आप प्लेस हो जाओगे। जैसा मैं अपना एग्जाम्पल कर दूँ, मेरे सेकेंड ईयर का जो एम फॉर्म का था उसका मार्कशीट ही नहीं आया था, एग्जाम भी नहीं हुआ था, उससे काफ़ी पहले मेरी जॉब प्लेस हो गई थी। हालांकि मैंने कुछ जगह उसको छोड़ करके नहीं करने का फैसला किया था, थोड़ा और प्रिपरेशन करने का फैसला किया था, और जब फाइनली जिस जॉब में आ जाऊँ वहाँ भी उस दिन मैं जॉब किया जिस दिन रिजल्ट नहीं आया था, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। आगे देखते हैं क्या करते हैं, इसका पहला पॉइंट क्या है उसको समझिएगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर से किस तरह से तैयारी करनी है कि आपके कई सारे सेमिनार और वर्कशॉप होते हैं उनको अटेंड करना है। बहुत पहले की बात है जब हम अपने स्टूडेंट की लाइफ में करते थे तो सेमिनार इक्का दुक्का दो चार ऐसा हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। फिर भी हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर से जहाँ कहीं भी ऑर्गेनाइज होता था वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करते थे। पार्टिसिपेट के दो तरीके हो सकते हैं, आप उसको अटेंड कर सकते थे या तो कुछ ना कुछ अपना प्रेजेंट कर सकते थे। सो फिलहाल अभी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए पहला जो ऑप्शन है वही है कि आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करिए, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे आपके ना हो, कुछ तो फायदे की बात मिलेगी, कोई नुकसान आपका कभी नहीं होने वाला है, तो आप उसको अटेंड करिए। आप ये देखिए कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपको क्या सिखा रहे हैं, कैसे बातों को रखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या चीजें आउटकम निकल करके आ रही हैं। आप अभी बी फार्मेसी ही भले ही फर्स्ट सेमेस्टर में हो, लेकिन आगे आने वाले सेमेस्टर में आपको किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैसे आप करियर के एस्पेक्ट से जुड़ सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके सेमिनार का या वर्कशॉप का टॉपिक क्या है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है तब तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी तरह की हैंडलिंग का सिखाई जा रही है, HPLC, आपका UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिफरेंट टाइप्स, TLC, HPTLC या जो कुछ भी आपका है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है, या एनिमल हैंडलिंग भी सिखाई जा रही है, भले ही आप अभी फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। इससे ना केवल आपकी थ्योरी बल्कि आने वाले समय में जब आप हैंडलिंग करने के बाद जॉब में जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल प्री क्लिनिकल ट्रायल को स्टडी को हैंडल करेंगे, ड्रग टॉक्सिसिटी को स्टडी करेंगे, तो आपके हाथ एकदम फ्री हो चुके होंगे एज कम्पेयर टू उनके जिन्होंने पहली बार अभी इस चीज़ को करना स्टार्ट किया था। तो सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करिए, इससे क्या फायदा होगा वो भी सुनिए। जो नॉलेज आपने गेन किया वो तो गेन किया ही किया, वो आपके अंदर यूजफुल होता रहेगा, साथ में आप अपने रिज्यूम में इन चीज़ों को अपडेट करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जब बी फार्मेसी पास कर लेते हैं या डिप्लोमा पास कर लेते हैं तो उनके पास उनके रिज्यूम में लिखने लायक कुछ होता नहीं एक्सेप्ट उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि आपके फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से मिलाकर के कितना परसेंट था, इसके अलावा एक आध दो आपकी हॉबी वगैरह आप उसमें ऐड करते हो, रेफरेंस वगैरह ऐड करते हो। बट बहुत कम लोगों के बारे में, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, बट बहुत कम लोगों के रिज्यूम में स्टार्टिंग से एज ए स्टूडेंट लाइफ ये होता है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट किया या कभी प्रेजेंट किया या कोई वर्कशॉप अटेंड किया या फिर इसको डेमोस्ट्रेशन करने के लिए अपना इन्वॉल्वमेंट लिया, बहुत कम लोगों के में होता है। तो क्यों ना आज से इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं पहले ही कहा हूं कि ये वीडियो केवल सीरियस बच्चों के लिए है जो स्टडी को अपना गोल बनाना चाहते हैं, जो जॉब को बहुत अच्छे से ग्रिप में लेना चाहते हैं उनके लिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटी जो कि आपके कॉलेज में होता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से एक्सटेम्पोर, डिबेट, स्पीच और एंकरिंग है। ये चार मैं नाम दे रहा हूं क्योंकि आपको जो समझाऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब मैं 7वीं क्लास में था तब से मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, उसके पीछे कई कहानी है आपको सीओडी शेयर करूंगा। तो 7वीं क्लास से लेकर के आज तक जहां कहीं भी मौका मिलता है, अब तो खैर मौका कम मिलता है टीचर हो गए हैं, तो मैंने इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। डिबेट में पार्टिसिपेट करने का क्या एडवांटेज होता है वो आपको आगे जो समझ में आएगा वो है ग्रुप डिस्कशन में। जब कभी भी आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको दोनों के एस्पेक्ट्स के बारे में सुनना, सोचना, समझना पड़ता है। वहां पे आप दोनों चीजों के बारे में कंपेयर करते हैं कि फेवर में क्या बोलना है, अगेंस्ट में क्या बोलना है, फेवर और अगेंस्ट के बारे में दोनों को सोचना पड़ता है कि आप कुछ बोल रहे हो सामने वाला आपके इस कमेंट को रेफरेंस लेकर के कुछ और क्रॉस कमेंट कर सकता है क्या, उस क्रॉस कमेंट का कैसे आपको आंसर करना है, कैसे वापस रिप्लाई करना है, ये हर एक चीज आपके दिमाग में इंस्टेंटली काम करती रहती है। तो जब कभी भी आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं या जब कभी भी आप किसी चीज के सामने अपना ओपिनियन रखते हैं तो वहां पे ये जो प्रैक्टिस है आपकी काम आती है। दूसरा मैंने कहा दी मोस्ट वापस से एम्फसाइज कर रहा हूं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक्सटेम्पोर। अगर आप मेरा बायोडाटा चेक करेंगे तो आई वॉज विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने हमेशा डिबेट में, एक्सटेम्पोर में, स्पीच में हमेशा फर्स्ट प्राइज
पाप किया है जब कभी भी मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? एक्सटेम्पोर को बोलते हैं हिंदी में तात्कालिक भाषण, यानी कि आपको टॉपिक नहीं दिया जाएगा। स्पीच में जनरली क्या होता है कि इस टॉपिक पे आपको बोलना है, ये आपको पहले से पता हुआ होता है, बट इन केस ऑफ एक्सटेम्पोर ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कोई भी टॉपिक नहीं दिया जाएगा, आपको सामने बुलाया जाएगा, आपको इस तरह की चिट उठानी पड़ेगी। आप चिट उठाएंगे, इसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, इसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, माइक, माइक स्टैंड, कुछ भी लिखा हो सकता है जिसके ऊपर आपको इंस्टेंटली बोलना पड़ेगा। इसके भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आपको 2 मिनट सोचने के लिए दिया जाता है, कई जगह दिया भी नहीं जाता। चिट उठाइए और स्टार्ट करिए, बोलना स्टार्ट करिए। ये क्या होता है एक्सटेम्पोर, ये दिखाता है कि आपका माइंड कितना शार्प है, अपनी पुरानी चीजों को कितना कोरिलेट आप कर सकते हो। तो ये एक्सटेम्पोर तुरंत किसी भी चीज़ को डिसीजन लेकर उसके बारे में बोलने की क्षमता आपको देता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो ये, जब कभी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिला होता है। आप क्वेश्चंस किसके प्रिपेयर करते हैं? जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कि ये टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, फार्माकोलॉजी क्या होती है, ये आपको पढ़ा है, ये क्वेश्चन आपको पहले से पता है, इसके प्रिपेरेशन करोगे। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे बोल दी जाएगी, इस कागज को मैं ऐसे मोड़ दूँ कितने बार मोड़ेगा, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको कोई सर पैर नहीं हो सकता, उस समय फिर आपका जो तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है, जो कि आपने एक्सटेम्पोर से सीखी है, वो बहुत काम आता है। वहां पे आप किसी चीजों को कम से कम 2 मिनट के लिए बोल तो पाते हो, तो ये एक्सटेम्पोर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगला जो मैंने कहा उसके अंदर, ये सीरियसली लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहें तो मैं इस वीडियो के बीच में जगह देकर के अपने रिज्यूम भी आपको ऐड कर दूंगा। तीसरा जो पॉइंट मैंने कहा था वो है स्पीच में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्पीच में एक एडवांटेज क्या होता है जो आपके स्टार्टिंग के लिए सीखने के लिए काफी यूजफुल है, कि आपको पहले टॉपिक दे दिया जाएगा। सपोज आपको बोलना है कि ऑनलाइन टीचिंग, तो इसके ऊपर आपको टॉपिक दे दिया गया है, समय दे दिया गया होगा, 3-4 दिन बाद होगा आपका प्रोग्राम, तो आप मुझे आराम से सोच सकते हो, उसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोच सकते हो, मेरिट डिमेरिट के बारे में सोच सकते हैं, लिमिटेशन के बारे में सोच सकते हैं, एडवांटेज के बारे में सोच सकते हैं। इससे क्या है, आपका दिमाग ना सब तरफ घूमेगा, क्या इसका फायदा है। आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या फायदा मिला, टीचर के रिस्पेक्ट से पूछिए कि सर आपको क्या फायदा मिल रहा है, मुझे क्या लिमिटेशन मिल रही है, क्या कमियां हो रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये हर एक चीज प्लस माइनस आप दोनों सिक्के के दो पहलू की तरह से सोच सकते हैं और उसको सामने रख सकते हैं। उसके बाद आता है एक और, वो है एंकरिंग। मैंने भी कई बार एंकरिंग करी है, हर बार अपने स्कूल में कॉलेज में एंकरिंग करता था। एंकरिंग का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी चीजें को सिक्वेंस वाइज कैसे जमाना है वो देखना होता है, कैसे चीजों को रखना होता है वो देखना पड़ता है। बोलना केवल आकर के हाँ आपके सामने प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले हैं, ये होने वाली, ये एंकरिंग नहीं है, ये केवल डिक्टेशन है। सो कैसे लोगों के बीच में माहौल को जमा के रखना है वो देखना पड़ता है। कई बार अभी असली एंकरिंग ये नहीं है कि आप आके बोल गए, असली एंकरिंग ये है कि कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोग्राम का जो शेड्यूल है वो रीशेड्यूल कर दिया जाता है, कोई प्रोग्राम पहले कोई बाद में, तो उसको बाद में इधर उधर कर दिया जाता है। इससे आपका जो पूरा स्क्रिप्ट है ना बनाया हुआ अगर होगा पूरा खराब हो जाता है, कि इसके बाद मुझे ये बोलना था, उसके बाद मुझे ये बोलना था, बट पहले वाला तो लास्ट में चला गया, लास्ट वाला पहले चला गया, तो मैं कैसे करूँ। वहाँ पर फिर आपका जो एक्सटेम्पोर वाला जो एक्सपीरियंस है, वहाँ पर जो आपका स्पीच वाला एक्सपीरियंस है, वहाँ पर जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेट के एक्सपीरियंस है, वो काम आते हैं कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे हुआ है अपने मन से चेंज कर दें। बीच में गैप हो जाता है, कई प्रोग्राम रेडी नहीं हो पाते, पार्टिसिपेंट रेडी नहीं हो पाते हैं, डिले होता है टेक्निकल इसी वजह से, तो उसके बीच में क्या करें, चुपचाप खड़े रहें ऐसे करके ताकि लोग देखते रहें, तो उसके बीच में क्या करना है, कैसे बात करना है, कैसे फीलिंग्स को फिलअप करना है, फिलर कैसे ऐड करना है, वो सब आपको पता है। और इसका एडवांटेज मैं जॉब के लिए ही बता रहा हूँ, कोई एंकरिंग नहीं सिखा रहा आपको। जॉब के रेस्पेक्ट में यह है कि जब कभी भी आप किसी जगह पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ जॉब इंटरव्यू, या तो फिर जॉब के बाद में कोई प्रेजेंटेशन देने वाले होते हैं, तब भी ये चीज़ काम आती है। प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एंकरिंग, वही चीज़ तो है, वो चीज़ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें काम आती हैं। अगला जो पॉइंट है वह है कि प्रेजेंट पोस्टर। देखिए मैंने पहले कहा था कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार और वर्कशॉप में, अब क्या करना चाहिए, धीरे धीरे पोस्टर प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि प्रेजेंटेशन के 2 तरीके होते हैं, ओरल होता है और पोस्टर होता है। इनिशियल लेवल पे कई जगह क्वालिफिकेशन वाइज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ओरल के लिए तो मौका नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाता है तो वेल एंड गुड, वो आप कर सकते हैं, बट अगर नहीं देते हैं तो स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप पोस्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं। पोस्टर प्रेजेंटेशन का भी हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, हमने हर बार फर्स्ट प्राइज जीता हुआ है। कैसे पोस्टर बनाते हैं इसका भी वीडियो हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे अपलोडेड है। देखिए पोस्टर क्या है, आपकी जो भी टॉपिक है, जो भी आपकी थीम है रेस्पेक्टिवली, उसके रेस्पेक्ट में आपको हर एक एस्पेक्ट को समझाना होता है एक फ्लो चार्ट में। ये जो अगर मान लीजिए कागज है, ये एक पोस्टर है समझ लेते हैं, तो इसमें आपको हर एक डिटेल को एक्सप्लेन करनी होगी, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स जितने कम कम रख के उतना ही जरूरी होता है। केवल हेडिंग रखिए, बाकी डायग्राम, फ्लो चार्ट, पॉइंट टू पॉइंट, 1, 2, 3, 4 फॉर्म, इसके नाम से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आपकी स्किल तो डेवलप होगी, कैसे चीज़ों को शॉर्ट करते हैं जब कभी आप जॉब में जाओगे, तो दूसरा आप अपने पोस्टर के पास खड़े रहते हैं, खड़े रहने के बाद कोई भी इंटरव्यूअर आता है, जो इवेल्युएटर आते हैं आपके पोस्टर को, वो इवेल्युएट करते हैं, तो आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने ये टाइटल क्यों सेलेक्ट किया, क्या इसके पीछे रीज़न है,
क्या कुछ खास रीजन था जिसकी वजह से आपने लिया, ये प्रेजेंटेशन क्या है, ये आप जो समझाना चाह रहे हो पॉइंट्स वो क्या है, ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम क्या समझाना चाहता है, ये हर एक चीज आपको सिखानी पड़ती है, सामने वाले को बतानी पड़ती है। इससे क्या आपका जो डर है वो खुल जाता है। मुझे पता है शुरू में डर लगेगा, पसीने आएंगे, लेकिन इससे धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और एक दिन ऐसा आएगा जहां पे आप बिंदास होकर के कुछ भी ऐसा खड़े हो सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना है सर पूछ लीजिए, आप रेडी रहेंगे। ये बहुत जरूरी और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। अब अगर यही चीज आप जॉब के समय तैयारी करें, एट सेमेस्टर के बाद तैयारी करें, सेकंड ईयर के बाद तैयारी करें, तो क्या एक ही दिन में प्रैक्टिस हो पाएगा? क्या एक ही दिन में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है? नहीं ना, कोई भी व्यक्ति एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता। सो कुआं वहीं पे खोदना चाहिए जहां पे स्टार्टिंग से जरूरत हो। फर्स्ट सेमेस्टर से कुआं खोदिए ताकि आठवें सेमेस्टर के बाद जो जॉब की आग लगे उसको बुझाने में ये काम आए। वरना आप क्या करोगे, कुआं खोदोगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, आपके पीछे जो थे वो सब आगे हो जाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, जैसे मैंने कहा कि अगर ओरल का मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप अपने आप को सामने रख सकें। क्या होगा, तो शुरू शुरू में लोग हंसेंगे क्योंकि वैसे में आपको वैसे भी जॉब नहीं चाहिए। सो इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस होगी, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। जिस दिन जॉब के लिए आप इंटरव्यू देंगे उस दिन तो घबरा नहीं पाएंगे ना, कम से कम कॉन्फिडेंस रहेगा, तो ये आपका एडवांटेज है। अगला है कि आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर इन इंग्लिश और हिंदी। ये क्वेश्चन अफोर्डेबल है, ये आपके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वैसे डिप्लोमा में हिंदी चलता है, बट डिग्री में हिंदी की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं जितनी कि इंग्लिश की है। सो व्हाटएवर कुड बी लैंग्वेज, बट अगर लैंग्वेज है तो प्रीफर करिए इंग्लिश में। अपने टीचर से सवाल करिए। मैं एक टीचर हूँ, अपने बच्चों को हर बार बोलता हूँ कि आपको जितना सवाल पूछना है टॉपिक से रिलेटेड, जब मैं क्लास लेता हूँ उतना सवाल पूछिए, जितना मर्जी आए उतना पूछिए, जब तक मन करे तब तक पूछते रहिए। फिर भी समझ में नहीं आया तो बाहर आके अकेले अगर पूछना चाहते हैं तो भी पूछ लीजिए। मेरा मकसद ये होता है कि उनके अंदर का जो डर है, जो क्वेश्चन पूछने की झिझक है, वो बिल्कुल खत्म हो सके। उससे क्या होगा, हम लोगों से पता है, हम टीचर बने हैं, बट टीचर बनने से पहले स्टूडेंट थे। कई सारे स्टूडेंट शुरुआत में, मैं भी ये सोचता था कि सवाल जवाब करूंगा तो सर क्या बोलेंगे, कैसे करूँ, अगर मुझे नहीं पता है लोगों को पता तो हंस देंगे यार कि थोड़ा सा क्वेश्चन उसको नहीं पता है, मतलब लोग देखेंगे और मेरे फंसेंगे, तो ऐसा सोच के ही मैं सवाल नहीं पूछता था। मतलब डर, एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी इसको बोलते हैं, वो अगर नहीं दूर होगा तो फिर एंजाइटी से आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इसलिए क्या है, आप टीचर से सवाल पूछिए। अब यहां पे लैंग्वेज का स्पेसिफिकेशन क्यों है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों मैंने बोला, क्योंकि अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपका जो डर है वो कम होते जाता है। चलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज, जब मैं कॉलेज में गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा था कॉलेज को मैं, जब मैं क्लास पहुंचा तो देखा हूं एक सर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, अब बिल्कुल साउथ इंडियन थे वो, उनको हिंदी नहीं आती और मुझे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी तब उस समय के लिए। अब मैं सोचा क्या करूं यार, लेकिन मेरे अंदर तो एक सीखने की स्टार्टिंग से हमेशा इच्छा रही थी, मैं सीखता था, डर वर कोई दिक्कत नहीं थी, हंसने वाले को हंसने देता था मैं। तो क्या हुआ, मैंने अब क्या अपनी इंग्लिश टूटी फूटी यूज़ करने शुरू कर दी, उनसे इंग्लिश में सवाल पूछने लगा, सामने भी क्लास के बाहर में ही कोशी शी को ही इट इज वाज दैट, कुछ कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ग्रामर फ्रामर कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, लेकिन मैंने सीखना शुरू किया, पूछना शुरू किया। दो चार दिन लोग हंसने वाले तो हंसेंगे भाई, उनका काम ही वही हंसना, हालांकि जो हंसते हैं उनको भी नहीं पता होता, फिर भी हंसते हैं वो, क्योंकि वो आपको मजे लेना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है भाई हंसो, चार दिन हंसोगे, पाँच दिन हंसोगे, रोज थोड़ी हंसोगे, साल में 365 दिन है, क्या उनके पास यही काम है कि आपके ऊपर हंसते जाएं, एक दिन बाद वो भी हंसना छोड़ देंगे। सो आपका काम तो हो गया ना, पर जो आज हंस रहे हैं उनके ऊपर किसी और दिन कोई और हंसेगा, तो ये सीक्वेंस चलेगा, इसलिए तोड़ दीजिए सीक्वेंस को, आज से ही सवाल पूछना स्टार्ट करिए। इंग्लिश में पूछेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और जॉब इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द केसेस आजकल तो इंग्लिश एक प्रिफरेबल लैंग्वेज रही है, तो वो आपके लिए अभी से काम आएगी। अगला है कि आप कैसे इस चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर हम बात करते हैं। लिसन इंग्लिश न्यूज़, ये इंग्लिश की तैयारी के लिए है, कॉन्फिडेंस के लिए। हमको पता नहीं होता कौन सा वर्ड यूज़ करें, तो उसके लिए आप इंग्लिश में न्यूज़ देखिएगा, खास करके दूरदर्शन को। इसके अलावा कोई दूसरा चैनल प्रीफर करें ना करें आपके ऊपर ऑप्शनल है, बट मेरा रिकमेंडेशन केवल दूरदर्शन की न्यूज़ को इंग्लिश में देखने की है। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ वह है कि आपके फ़ोन का फ्री में यूज़ करिए आप सीखने के लिए। जब कभी भी आप कुछ सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है थोड़ी बहुत नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने मोबाइल में कस्टमर केयर को फ़ोन लगाइए, कस्टमर केयर को फ़ोन लगा करके वहाँ पे एक दो पूछता है हिंदी के लिए, एक दवा इंग्लिश के लिए, दो दवाएँ तो भैया आप दो दवाएँ ताकि आप एक नंबर पे आ सकें। सो इंग्लिश पे डिस्कस करिए, उनसे बात करिए, वो तो आपको नहीं जानते हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, ना आप उनका चेहरा देख रहे हो ना वो आपका चेहरा देख रहे हैं, तो केवल फ़ोन में बात करना है, जहाँ पर घबराहट हुई वहाँ पर फ़ोन रख दो फिर से ट्राई करो, तो इससे क्या सीखने को मिलेगा, सामने वाले को पता है कि आप सीख रहे हो तो आपको सपोर्ट भी करता है कि आप इंग्लिश में बात करते हो, तो वहाँ पर धीरे धीरे बात करके आप कॉन्फिडेंस ले सकते हो, एक डमी से सीख सकते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी बुकिश लैंग्वेज में नहीं है, कहीं से पढ़ करके मैं आपको लेकर समझा रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जिनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस वाइज डाला हुआ है, जो मैंने किया हुआ है सीक्वेंस वाइज सेमेस्टर वाइज, वो आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसके बाद अगला है कि आप कैसे अपना प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे जैसे आप सेमेस्टर आगे बढ़ते जाएंगे, ये तो फंडा सबके लिए है, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे सेमेस्टर वाइज तो और उतना यूजफुल होता जाएगा। अगला पॉइंट है स्टार्ट अपडेटिंग योर रिज्यूम। देखिए अभी तक आपने काफी सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिए होंगे, जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता होगा काफी सारे वर्कशॉप अटेंड कर लिए होंगे, ना केवल अटेंड कर लिए होंगे बल्कि आप इतना कैपेबल इनफ तो हो ही गए होंगे कि आप उसको
प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा है, थर्ड सेमेस्टर में प्रेजेंट करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा 8 सेमेस्टर पड़ा हुआ है, आप उसने प्रेजेंट कर या आपके रिज्यूम में अपडेट करते जाइए। ये मत सोचिए कि मैं बाद में रिज्यूम अपडेट करूंगा, मैं जब पास हो जाऊंगा तब रिज्यूम बनाऊंगा, अभी की क्या जरूरत है भाई। ठीक है अभी की जरूरत नहीं है, बट मैंने वही कहा ना, कुआं लगेगा कब, जब आपको आग लगेगी। तो आग लगने से पहले तैयारी करोगे कि आग लगने के बाद तैयारी करोगे? सो रिज्यूम बना लीजिए, भेजना नहीं भेजना आपके ऊपर है, रिज्यूम बना लीजिए सब कुछ जैसा जैसा अटेंड करते थे। आज अटेंड किया है, आज शाम को वापस उसको अपडेट करिए, कल परसों पर मत टालिए, कोई भी काम मैं टालता नहीं हूं। आज अटेंड किया तो आज के आज वहां पे रिज्यूम अटेंड अपडेट होना चाहिए, तो वहां पे आप उसको अपडेट कर दीजिए। वैसे ही आप हर एक एक्टिविटी को, चाहे एक्सटेम्पोर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे किसी भी दूसरे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन को उसी दिन सेम टाइम आपको अपडेट करते रहना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट जो है हमारा वह है पार्टिसिपेट इन इंटरव्यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसको समझाऊंगा आपको कैसे समझना है इंटरव्यू में कैसे पार्टिसिपेट करें। अब आपका सवाल होगा, सर मैं अभी तक तो 8 सेमेस्टर पहुंचा नहीं हूं, 3rd सेमेस्टर में हूं या 5th सेमेस्टर में हूं, कैसे पार्टिसिपेट करूं? वेरी गुड, मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भोपाल से किया था, RGPV यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमफॉर्म किया हुआ है, और उस समय मैं भोपाल में था जो कि मेरा होम टाउन है ही नहीं, और वहां पे मुझे कई सारे चीजें सीखने को मिली, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली और बहुत बुरी चीजें भी सीखने को मिली, फेस करना पड़ा लाइफ में। जो मेरा स्ट्रगल का मेन फेस था स्टूडेंट लाइफ में वो वहां पे भोपाल में ही था, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उस समय, फिर भी वहां पे हमने सर्वाइव किया। अब उसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको बताता हूं, आपको कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें। भैया हमने एम फॉर्म तो पहुंच चुके हैं, बी फॉर्म में भी ये चीज़ किया था, तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। बी फॉर्म के फाइनल ईयर में हमने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया था अपने मार्केटिंग के लिए, कॉलेज में जो कैंपस आया था उसके प्रोडक्शन के लिए, और एम फॉर्म में मैंने अनप्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू देखने की सीखने की कोशिश करी। अनप्रोफेशनल कहने का मतलब यह है मुझे करना ही नहीं था वो जॉब, मैं जॉब करना चाहता ही नहीं था, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर शो कर रहा था कि मुझे नहीं इंटरेस्ट है, ऐसा करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर रहा था कि मैं इंटरव्यू जाके सीखूं। तो कहां कहीं भी मार्केटिंग के लिए इंटरव्यू हो रही थी, कहीं प्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू हो रहे थे, क्योंकि भोपाल में फिर भी कुछ हद तक MP में काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, तो वो वहां पे बहुत काम आया था। तो वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया, नॉर्मल इंटरव्यू जो मेरे काम से रिलेटेड नहीं थे, सेल्स मैनेजर के MR के या फिर आपके किसी भी दूसरे पर्पस के लिए, जो मेरे फील्ड से कुछ रिलेट करते थे कुछ नहीं रिलेट करते थे। कंप्यूटर टाइपिंग भी मैंने सीखी उसी तक फास्ट कर सकते हैं। एक वहां पे होता था मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर, वहां के लिए भी मैंने रिज्यूम किया, अपना इंटरव्यू दिया और उसको पार्टिसिपेट किया, इसलिए कि मैं सीख सकूं। देखिए रिज्यूम कैसे तैयारी करें, इंटरव्यू कैसे तैयारी करें, इसके ऊपर आपको तो बहुत सारी बुक मिल जाएगी, मैंने एक रिव्यू भी बनाया हुआ है आपके मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे, अच्छी बुक है वो, उसको भी देख सकते हैं, तो उसमें आप पढ़ पाएंगे। और जो थ्योरी होती है वो थ्योरी होती है, भले कितना अच्छा क्यों ना हो, उसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे वो पॉसिबल नहीं। गाड़ी चलाना कैसे सीखें, आप यूट्यूब में 1000 वीडियो देख लीजिए, एक से एक वीडियो पड़े हुए हैं, किताबें पढ़ लीजिए, पहले क्लच लगाइए, गियर लगाइए, जो करना करिए वो करिए, लेकिन क्या जब आप पूरा किताब पढ़ डालेंगे, वीडियो पूरी देख डालेंगे, उसके बाद गाड़ी चला लेंगे? बहुत कुछ मदद मिलेगा आपको, 90% तक मदद मिल सकता है, लेकिन 10% तो प्रैक्टिस से ही आता है। जजमेंट कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड का राइट साइड का बैक गियर कैसे लगाएंगे, वो पढ़ के समझ में नहीं आएगा, वो करके समझ में आएगा। सो इसीलिए हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ें, क्या क्या पॉइंट्स रखना है, क्या क्या पॉइंट जोड़ना है रिज्यूम में इंटरव्यू में, वो सीखें जरूर पढ़ पढ़ के सुन सुन के, लेकिन इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा आपको। तो आप कैसे इंटरव्यू फेस करेंगे, सीधे अपने मेन इंटरव्यू के दिन जहां पे आपको जॉब के लिए जा रहे हैं वो, या प्रैक्टिस करेंगे? जो आर्मी होती है वो कई बार मॉक ड्रिल करती है, अचानक से घंटी बजा दिया जाए सारण की आपको अटैक हो गया, किसी को पता ही नहीं होता सिवाय इंचार्ज के, सबको उसको ओरिजिनल लगता है, तो ऐसे बिहेव करिए। सो आप अपने आप को मत बोलिए कि मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, अपने आप को सोचिए कि मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर दिखाना है, भले आप ना करें वहाँ पे, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इस पर आप फोकस करिए और इंटरव्यू देने जाइए। तो वहाँ पे क्या होगा, आप जब तो आपको पता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, इसलिए एंजाइटी तो होगी ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वही है कि आपको जॉब करनी ही नहीं है, इसलिए एंजाइटी नहीं होगी। अगर आपको चाहिए होता, मजबूरी होती, तो परेशान होते कि मुझे चाहिए, कैसे भी चाहिए, मिल जाए, लेकिन आपको पता है कि नहीं मिलना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो भी मुझे नहीं करना। सो अंदर एकदम से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे सिर्फ इंटरव्यू फेस करना है, होगा नहीं होगा इसकी चिंता ही नहीं। जहाँ टेंशन नहीं वहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है, जहाँ एंजाइटी नहीं वहाँ पर मस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, एनर्जी आ जाती है। तो आप इंटरव्यू फेस करिए, आपसे सवाल पूछेंगे, तरह तरह का सवाल पूछेंगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो सब्जेक्ट का चेक हो जाएगा आपका, नहीं तो दुनियादारी के सवाल से जवाब हो जाएंगे, अपने बारे में बताइए, वीकनेस बताइए, पैसे कितना चाहते हो, क्या काम किया हो, इसको कैसे बेचोगे, अगर सेल्स का है तो इसके कैसे समझाएंगे, लोगों को कैसे कन्विंस करोगे, अपना बिहेवियर कैसे रखोगे, जो कुछ भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कुछ लॉजिकल कुछ इलॉजिकल, सबके सवाल का जवाब आप देंगे, सीखेंगे। ये तो पहला हो गया, फिर आप ऐसे कई इंटरव्यू दिलाएंगे, सीखते जाएंगे, इस तरीके से आप तब करके एकदम सोना बन जाएंगे, एकदम कंगन बन जाएंगे और आपका परफेक्शन हो जाएगा। और जब वाकई में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे पीछे लोग रहेंगे और आप सबसे आगे चले जाओगे।
ये जिंदगी का मेन फंडा होता है। इसलिए मैंने कहा हमने कुआं फर्स्ट सेमेस्टर से खोदा और अगर एक सेमेस्टर के बाद जॉब की आग लगी तो उसको वहाँ पे बुझा सकते हैं। एक सेमेस्टर के बाद अगर आपका कैंपस इंटरव्यू होता है या जॉब के लिए आप जाते हो तो ये चीज़ें कैसे लाओगे? अब कैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्फ्रेंस को समझाओगे, कैसे अटेंड करोगे? फर्जी चीज़ें करना गलत बात है, फर्जी चीज़ें करके किसी का भला नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कोई और जाने न जाने कि फर्जी है कि नहीं, एक आप और आपका दिमाग है जो जानता है कि ये फर्जी है, और फर्जी चीज़ें कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकती। अगर आपने पीजी डीसीए की डिग्री रखी है, अगर आपने कोई एमबीबीए की डिग्री रखी है, या आपने पूरे रेफरेंस में सेमिनार यूबीएचपीएससी का वर्कशॉप भर दिया है और आपको मैं देता हूँ कि ये लीजिए एचपीएससी ले लीजिए, करा के दिखाइए, आप वहाँ पे ऐसे पसीने पोंछेंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। सो फ्रेंड, मेरा जो आज का टाइटल था वो जस्टिफाइड, मैं यहाँ से कंक्लूड करता हूँ कि हमको तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर से करनी चाहिए ताकि वो यूजफुल हो के आपके किसी भी सेमेस्टर में जब आपके वाकई में जॉब जरूरत होगी तो काम आएगी। कुआँ आज से अभी से खोदिए अगर आपने नहीं खोदा है, ताकि आपकी प्यास बुझाए अगर आग नहीं लगती है तो, और अगर आग लगती है तो वो आग को बुझा भी दे और आपको सेफ भी रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।